हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं मेथी और आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो कई लोग सोचते हैं मेथी कड़वी लगती है, लेकिन इस तरीके से बनाइए तो इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। जो लोग नहीं खाते वो लोग भी खाने लगेंगे। तो आप लोग ने देखा, मेथी को मैंने पहले से धुल रखा था, तो उसको काट लिया है मैंने धुलने के बाद। और फिर यहाँ पर आलू भी काट लिए थे। और फिर लहसुन और हरी मिर्च का तड़का लगाऊंगी। और मसालों में ज़्यादा कुछ नहीं है, हल्दी मिर्च। और फिर मैंने तेल गरम कर दिया था। गरम हो जाने के बाद फिर मैं इसमें मेथी डाल दूंगी। मेथी चटक जाने के बाद लहसुन डाल दूंगी। लहसुन को अच्छे से तेल में पकने देना है। और फिर उसमें हरी मिर्च डालूँगी। और हरी मिर्च डालने के बाद फिर मैंने जो आलू काट रखे हैं उन आलूओं को इसमें अच्छे से फ्राई होने दूँगी। गाइज, अगर आप लोगों को जल्दी है सब्ज़ी बनाने का तो इस तरीके से बनाइए, बहुत टेस्टी बनती है मेथी आलू की सब्ज़ी। और मेथी फ़ायदेमंद भी है ठंडियों में, और इस समय मेथी है भी, ठंडियाँ आ गई हैं। तो बनाइए मेथी की सब्ज़ी, मेथी आलू की। तो ये देखिए, मैंने आलू डाल दिए हैं इसमें और आलूओं को फ्राई कर लूँगी। आलू जब मेरे फ्राई हो जाएंगे उसके बाद ही मैंने जो हल्दी और मिर्च ले रखी है मसाले में, फिर उसमें ऐड करूंगी। और फिर उसके बाद जो मैंने मेथी ली है उसको काट के डाल दूंगी। कटी हुई है मेथी मैंने काट ली है पहले से ही। और ये सब्ज़ी आप बच्चों को टिफ़िन में दे दीजिए। आप ऐसे दोपहर के लंच में बनाइए, बहुत टेस्टी बनती है। दोपहर के लंच में, डिनर में बनाइए, चाहे जब भी बनाइए। और ये देखिए, फिर मैंने मेथी भी इसमें ऐड कर दी है। और मेथी फिर मेरी जब इसको चलाऊंगी तो ये काफ़ी कम हो जाएगी, अभी ज़्यादा दिख रही है जैसा कि। तो हरी सब्ज़ियाँ जैसे कि सभी को पता है कि कम हो ही जाती हैं। तो इसको फिर नमक डाल के मैं इसे ढक के पकने दूंगी। और लगभग मेरे आलू पक ही गए हैं फ्राई करते करते, लेकिन फिर भी 5 मिनट पकाऊँगी और, ताकि और अच्छे से पक जाए आलू। ढक के पका दूंगी इसे। और मेथी को आप अगर पहले से धुल के रख दे तो इसका पानी अच्छे से निकल जाता है और फिर सब्ज़ी बनाओ तो सही रहता है। और तुरंत धुल के फिर काट के बना दो तो मेथी थोड़ी सी गीली गीली रहेगी, फिर सब्ज़ी इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो इस जो आवाज़ आ रही है उसको इग्नोर कर दीजिएगा, बाहर से रोड है तो आवाज़ें तो आती ही रहती हैं। तो बस इसी तरीके से फिर 5 मिनट पकने के बाद मेरी सब्ज़ी भी बनके तैयार हो जाएगी। तो गाइज़, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में जो बेल आइकॉन आती है, जो घंटी है, उसको भी दबा दीजिए, घंटी भी बजा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो ये देखिए सॉरी, ये देखिए बनके तैयार है। कितनी देखने में भी कितनी यम्मी सी लग रही है, कितनी अच्छी है। जो नहीं खाते ना उनका भी खाने का मन कर रहा होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।